कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अपने अपने घरों में खैर वाफिया से होंगे। और लाहौर का मौसम टू मच हॉट, बहुत गर्म है कि आपको बता नहीं सकती। तो मुझे काफ़ी सारे इनबॉक्स आ रहे थे कि आप हमें सिनेमन्स रोल्स बनाना सिखाएं। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने व्यूअर्स की फरमाइश पूरी ना करूं और मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सिनेमन्स रोल लेकर आई हूँ, जो सिर्फ 4 स्टेप में है। बहुत ही लजीज, बहुत मज़ेदार, सॉफ्ट, जूसी, बहुत ही जिसे कहते हैं ना लाजवाब, आप बनाएं अपने घरों में और उनसे दाद वसूल करें। और इसके लिए जो मैं दालचीनी है और जो इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही छांटा पीटी करके ताज़ी लेकर आई हूँ, जिसकी खुशबू बहुत आला है। तो आइए हम आगे चलते हैं और अपने इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। ये जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, ये डोके हैं जो इसकी रोटी बनानी है उसके लिए, ठीक है? तो हम आपको बताते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 अंडा लिया है, आधी टी स्पून मैंने लिया है नमक, 1 टी स्पून ली है मैंने ईस्ट, जिसे खमीरा कहते हैं, 2 टेबल स्पून ली है मैंने चीनी, 4 टेबल स्पून लिया है मैंने अनसॉल्टेड बटर और 1 कप लिया है दूध, ठीक है? ये सारी जो चीज़ें हैं हम इससे डो तैयार करेंगे और इसकी फिलिंग इसके बाद बताऊंगी, ठीक है? जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 1 कप मैदा लिया है, इसको अच्छे तरीके से छान लिया है, ठीक है? उसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून, 1 अंडा डाल देना है, 1 बटर डाल देना है और लुक वॉर्म मिल्क डाल देना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। जी व्यूअर्स, जो हमने डो है उसको अच्छे से हमने नीट कर लेना है। देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट डो है। हमको अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं। हम आटे की डस्ट लगा के इसको हम बेल लेते हैं, ठीक है? बेलने के बाद हम आपके पास वापस आते हैं। जी माय व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपनी डो को बेल लिया है और हमने थोड़ा सा इसको थिक रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने अपनी डो को थोड़ा सा थिक बेला है। अब हम इस पर बटर अप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से। जी जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अच्छे तरीके से इसके ऊपर बटर अप्लाई कर दिया है। अब हम इसमें जो हमने सिनेमन और जो हमने ब्राउन शुगर मिक्स की थी, हम अब इस पे स्प्रिंकल कर देंगे चारों तरफ, ठीक है? उसके बाद हम इसे रोल करेंगे और फिर हम इसे बेकिंग पे रखेंगे 10 मिनट रेस्ट देने के बाद, ठीक है? ये अच्छे तरीके से हमने इसके चारों तरफ ये लगा दिया है। अब हम इसे रोल कर लें। जी माय व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने रोल कर लिया है। अभी मैं इसको छोटे छोटे पीसों में कट करके इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। जी माय व्यूअर्स, देखा जैसे कि आप देख सक रहे हैं कि हमारे सिनेमन रोल काफ़ी अच्छे से राइज हो गए हैं। अब हम इन्हें ओवन में बेक करने के लिए रख देते हैं 180 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए, ठीक है? हमने अपने सिनेमन रोल बेकिंग के लिए रख दिए हैं। जी माय व्यूअर, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, यमी, ये देखें कितने मज़ेदार लग रहे हैं ये।
कमाल होगी जनाब। देखें जी, बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी, बहुत सॉफ्ट, गुई, मुंह में जाते ही मेल्टिंग, वाह वाह। ज़रूर बनाएं, ज़रूर अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें, अपने गेस्ट आए उनको चाय में, चाय के साथ बनाकर दें, मैं कह रही हूँ, अरे चाय के साथ बनाकर दें और मज़े से ख़ुद भी इंजॉय करें। और कभी कभी दिल करता है कोई बारिश हो रही हो, कॉफ़ी हो और सिनेमन हो, कमाल होगी जनाब। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो, किसी नई रेसिपी के साथ में आपके पास हाज़िर होती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।